इसी टोन को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो आप बिफोर आफ्टर वाला। तो पहले कुछ फ़ोटो ऐसा था, फिर हमने रिटचिंग करके कुछ ऐसा बना दिया। सो सबसे पहले इसको अंडू करते हैं, एडिटिंग को। देन पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट एडजस्टमेंट, इसलिए कहता हूँ पहले अपना लाइट एडजस्टमेंट कर लो। वो सीख लोगे ना तो अपनी फ़ोटो का जो टोन डालते हैं हम सेम टोन डाल सकते हो अपनी, वो भी इजीली, क्योंकि हमारे फ़ोटो में कुछ लाइट देखो तो लाइट एकदम परफेक्टली है। हमारे फ़ोटो में बॉडी पे भी लाइट है और बैकग्राउंड पे भी लाइट है, तो आपकी फ़ोटो के हिसाब से हमारा फ़ोटो ठीक है। बट आपकी फ़ोटो में कुछ हाईलाइट कुछ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सेम कंडीशन में तो फ़ोटो क्लिक नहीं होती ना। तो आप कोशिश करो कि आप खुद की फ़ोटो खुद से लाइट एडजस्टमेंट करो। वो प्रीसेट डालोगे तो आपका फ़ोटो एकदम ख़राब हो जाएगा। तो ट्राई करना कि खुद से एडिट करने का, आप स्टेप फॉलो कर सकते हो, बस खुद करने की कोशिश करो। तो कुछ बनाओगे, कुछ देखोगे, कुछ और ही बन गया और गजब बन गया। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले कार्ड को पेश करूँगा जो मैंने यूज़ किया था। इस कार्ड को देख लो, लाइट पे चलते हैं, कार्ड पे देख लो। आप कप टूल का वीडियो देख लेना, वहाँ से आप तीन मेरा थ्री जो कप टूल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से एडिटिंग शुरू करते हैं। तो मेरी फोटो में तो लाइट एकदम परफेक्टली है, तो मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट इसको इंक्रीज कर देता हूँ, जिसे मैं 7 तक ही रखता हूँ, और हाईलाइट कुछ ज़्यादा है तो उसको मैं 44 तक डाउन कर देता हूँ। और कुछ मेरे को इंक्रीज करने की ज़रूरत ही नहीं दिखाई दे रहा है, फोटो एकदम परफेक्ट है। मैं थोड़ा सा शेडो को भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इस तरफ बॉडी में भी एक लाइट आ जाए, तो इतना परफेक्ट है। मैंने शेडो को बस 4% इंक्रीज किया। तो यहाँ से तो हमारा लाइट एडजस्टमेंट काम कंप्लीट, क्योंकि हमारे फोटो में एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, लाइटिंग एकदम परफेक्ट है। तो जाम करते हैं कलर टैब में। यहाँ से हम टेम्परेचर को सेट करेंगे। यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ग्रीन टोन डालने वाले हैं, तो इसको बस टिंट को आप इंक्रीज कर लो थोड़ा सा, जैसे 8% रख, देन परफेक्ट। यहाँ और कोई ज़रूरत नहीं, आ जाओ कलर टैब में। ऐसे आप ले लो येलो कलर को और इसका रेजोल्यूशन रखो -44। और इसका लुमिनियस रख लो 27, -27 रख लो लुमिनियस को। देन इतना परफेक्ट है। अब आ जाओ ग्रीन कलर पे। ग्रीन कलर का आपको ह्यू को रखना है -36। देन इसका सेचुरेशन को 51 तक माइनस कर लो, देख लो। इस स्टेप का फॉलो करो और ल्यूमिनस को आप 39 तक डाउन करके रखो ल्यूमिनस को, देन इतना यह सो परफेक्ट। तो ये जो कलर है, जो स्काई कलर, इसको मैं पूरा डाउन कर दूंगा, इसका ज़रूरत नहीं है मेरी फोटो पे। पेंट पे है वो ब्लू कलर पे एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो ब्लू कलर का ह्यू को मैं 9 तक रखूँगा और इसका सेचुरेशन 31 तक माइनस कर देता हूँ, और लुमिनस को मैं 19 तक ही रखना चाहता हूँ, तो मैं 19 तक ही रख देता हूँ, जैसे कि फोटो में एक डार्क कॉन्ट्रास्ट आए पेंट पे। और यह जो है पर्पल कलर, इसको ह्यू को मैं 34 तक मैं रखूँगा, जैसे कि फोटो में थोड़ा सा टी शर्ट पे वो कलर आ रहा है, तो इसको मैं डाउन कर देता हूँ सेचुरेशन को, जैसे 27 तक। देन यहाँ परफेक्ट दो पर्पल कलर पे, और यहाँ के पर्पल या मैजेंटा कहते हैं इसको, मुझे को पता नहीं ठीक से, मुझे याद भी नहीं है, इसको पर्पल कहते हैं, इसको मैजेंटा कहते हैं। तो चलो सेचुरेशन को डाउन करो, मैंने माना 25 तक डाउन करके रख दो इसको, और ह्यू को आप 41 तक इंक्रीज करो। देन यहाँ से आपका परफेक्ट कलर टेप का लाइट एडजस्टमेंट परफेक्ट।
तो यहाँ से आप फेस को अब थोड़ा सा शार्प कर सकते हो, जैसे शार्प तो करेंगे बाद में, अब इसको ब्राइट करेंगे। तो इसको ह्यू को -2, थोड़ा रेड टोन चाहिए, सैचुरेशन को -10 एंड लुमिनियस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके रखता हूँ, जैसे कि 6 तक रख लेता हूँ। देन परफेक्ट है, आ जाओ रेड कलर पे। और इसका सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे 11 तक, 10 या 11 रख लो। और लुमिनियस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ 19 तक, 19 तक। तो ऐसे परफेक्ट हुआ हमारा कलर ग्रेडिंग। देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, और भी स्टेप रह गए। तो ऐसे इफेक्ट टूल पे आने के बाद आपको टेक्चर दे देना है 13 तक, और इसका क्लियरिटी 9% इंक्रीज करना है, और डीएच को आप इंक्रीज कर 2% ही रखो, और विंटेज को 4% माइनस कर सकते हो, जैसे कि साइट की जो पार्ट्स है वो ब्लैक हो जाए, फोकस एकदम तो मॉडल पर रहे। तो और शार्पनिंग को मैं 51 तक इंक्रीज करूँगा, जैसे कि हमारे फोटो में ज़्यादा ही शार्पनेस चाहिए। तो इन सबको भी इंक्रीज कर देता हूँ, और जैसे मैं कलर सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करूँगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं। और इसको मैं इंक्रीज कर देता रिमूव फर्स्ट वाला ऑप्शन को मैं ऑन कर देता हूँ, एंड देन मैं नीचे चलूँगा प्रोफाइल पे, और यहाँ से ले लूँगा विंटेज, तो विंटेज 2 को डालेंगे। देन आप देख सकते हो अपनी, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं इसको परफेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से एक लीनियर ग्रेडियंट यूज करूँगा, और ऐसे लाइट पे जाके इस लाइट को पूरा डाउन कर दूंगा, और मैं इसका टेम्परेचर भी माइनस कर दूंगा। और एक और बार करेंगे इसको, वो भी ऊपर से, जैसे ऊपर से लाइट गिर रही हो ऐसा फील आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे सेट करके ऐसे लाइट को इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं सैचुरेशन को इंक्रीज कर दिया। देन डन, अब देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना परफेक्ट लग रहा है। तो प्रीसेट तो मिल जाएगा, बस प्रीसेट को ज़्यादा यूज़ मत करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।